वैश्विक महामारी कोरोना, इसके संक्रमण के जद में लोग ना आ जाएं, इसलिए पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। सभी लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं, लोग अपने घरों में हैं। पहले तो लोग सड़कों पर निकला करते थे, लेकिन अब लोगों ने पूर्णतया बंद कर दिया है। जरूरी सामान की खरीदारी करने के साथ लोग घर को वापस आ जा रहे हैं, लोग घरों में लॉकडाउन रह रहे हैं। लेकिन वैसे लोग जो गढ़वा जिला से बाहर सुदूर प्रदेशों में पलायन किए थे मजदूरी के वास्ते, अब वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। ऐसे में उनके सामने भूख की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, लोग बहुत देर तक भूखे रह जा रहे हैं। इस उन्हें भोजन देने के लिए कई राजनेताओं द्वारा दाल भात योजना की शुरुआत की गई है, कई कई सामाजिक संस्था इसमें आ गए हैं। ऐसे में हम गढ़वा जिला मुखिया के बंसीधर अनुमंडल मुख्यालय के सीता रसोई का नाम ना लें तो बड़ा बेमानी होगा, क्योंकि इस सीता रसोई के साथ जुड़े हुए लोगों द्वारा लगातार खाना बना करके और वैसे ज़रूरतमंद लोगों को खिलाया जा रहा है। इससे जुड़े हुए अधिवक्ता राजेश पांडे और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सिंह का कहना है कि हमने शुरुआत से ही, जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से वैसे लोगों के बीच भोजन का वितरण कर रहे हैं। साथ ही सीता रसोई इसलिए हमने नाम दिया है, यहाँ पर बना हुआ खाना कभी खत्म नहीं होगा और लगातार हम आगामी 14 अप्रैल तक, जब तक लॉकडाउन किया गया इस देश को, इस राह से गुजरने वाले सभी वैसे जरूरतमंद लोग जिन्हें खाने की जरूरत है उनके बीच भोजन का वितरण करते रहेंगे, उनका पेट भरते रहेंगे। इस कोरोना महामारी में भारत के पूरे लॉकडाउन हो जाने से पूरे देश के जितने भी फैक्ट्रियां थी, औद्योगिक इकाई बंद हो जाने के कारण सारे मजदूर काम से बेघर हो गए, जो अपने गंतव्य के लिए, घर के लिए पैदल ही चल पले। तो मैंने एक दिन मार्केट गया था साग सब्जी लेने, जब देखा कि मजदूरों का रैला आ रहा है, कोई पूछ रहा खाने के लिए है भैया, तो हम आए एक दिन शाम में, तो हमारे गार्जियन रामानंद पांडे जी, हमारे पिताजी विजय कुमार सिंह जी ने निर्देश दिया टिंकू भैया के निर्देशानुसार कि क्यों ना घर पर ही पूरी सब्जी बनाकर राहगीर को वितरण किया जाए। तो हमने सोचा सही चीज़ है, तो हमने मजदूर खोजने निकले, तो राजेंद्र चंद्रवंशी जो होटल संचालक हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे लड़के, हम लोग निःशुल्क सेवा देंगे, परिश्रम करेंगे और पूरी भुजिया का निर्माण करेंगे, और आप लोग सामग्री की व्यवस्था कराइए, हमारा जगह है, हमारा बर्तन है। अभी तक कितने मजदूर राहगीरों को आप खाना दे चुके हैं? हम लोग 600-700 राहगीर को खाना दे चुके हैं, दो दिन से एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सीता रसोईया के नाम से हम लोग एक योजना को चालू किए हैं, बजरंग सेवा समिति के बैनर तले, बजरंग बली मंदिर मोड़ पर ये सीता रसोईया का। कितने मेंबर्स हैं आप लोग लगभग इसमें? हम लोग इसमें 15-16 मेंबर हैं, और प्लस इसमें हमारे इस मोहल्ले के जितने गार्जियन हैं वो हमारे सपोर्टर हैं, जिसमें बहुत सारे लोग, आगंतुक लोग भी दान दिए, जिससे में धीरेन्द्र चौबे जी ने 50 केजी आलू लाके दिया, माननीय विधायक जी ने भी 50 केजी आटा लाके पहुंचा दिए, और भी बहुत ऐसे ऐसे आगंतुक हैं, मेरा सामान ले लीजिए। दान की कमी नहीं है, बनाने की व्यवस्था की कमी नहीं है, बस हम लोग जब तक लॉकडाउन है हम लोग इस कार्यक्रम में लगे रहेंगे। इस वैश्विक महामारी कोरोना की आहट हमारे देश में आते ही दिल्ली से बहुत से उद्योग के बंद हो जाने के कारण वहाँ से मजदूर पलायन करने लगे, जो पैदल आने लगे, और उन्हें भोजन पानी के बिना उनकी बहुत दिक्कत हुई। तो हम लोगों ने यहाँ पे बजरंग सेवा संस्थान, जिसके हमारे सोनू सिंह ही इसके बारे में सर्वप्रथम बोले, तो हम लोगों ने मिल करके इस कार्य को शुरू किया। जब तक लॉकडाउन रहेगा हम लोग सुबह शाम डिब्बा बंद भोजन और पानी इन लोगों को मुहैया कराते रहेंगे, और यहाँ भी जो स्थानीय लोग हैं जिनको भोजन की दिक्कत होगी तो उनको भी हम लोग देने का प्रयास करेंगे। आगे जैसे प्रभु इच्छा, हम लोग चाहेंगे कि इस महामारी से जल्दी मुक्ति मिले, और जब तक ये चलेगी हम लोग ये काम करते रहेंगे। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।